को हवन करते हैं, यानी श्वास को श्वास की क्रिया करके सूक्ष्म रूप श्वास बनाकर और काफी समय तक प्राणायाम करके सांस को लंबा बनाने की चेष्टा करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन किया करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी, किसी ने एक फल खा लिया, कोई पत्ते पत्ते खाकर टाइम पास करा है। प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, यानी छोटा सांस बनाकर लंबे समय तक रोकने का अभ्यास कर लिया और लंबी आयु बनाने की चेष्टा करते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ है कि कुछ ये सभी अपने अपनी धार्मिक क्रियाओं को पाप नाशक जानने वाले हैं, अपने यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों को जो वो कर रहे हैं उनको सही मान रहे हैं। इनका पाप नाश हो रहा है ना, तो वो करें को नहीं, सच्चाई का पता होता है। तो 31 में कहा है यज्ञ कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातनम ब्रह्म सनातन परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले जो धार्मिक क्रियाएं नहीं करते, साधना भक्ति नहीं करने वाले पुरुष तो के लिए तो ना तो ये मनुष्य लोक सुखदायक, ना तो यहां सुखी और ना परलोक में वह सुख हो नहीं सकता। अब 32 में कहा है, चौथे अध्याय के 32 में कहा है इस प्रकार इस प्रकार की बहुत तरह के यज्ञ, यहां इन्होंने गलत कर दिया, ब्रह्मणे मुखे कर दिया, वेद की वाणी में नहीं। श्री गीता जी जो है श्रीमद् भगवद् गीता, वेदों का तो सारांश बोला ही जा रहा है, यहां अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी नहीं। इसका फैसला इन्हीं से करेंगे हम, यदि हम अनुवाद करेंगे तो ये बात नहीं मानेंगे कि रामपाल न संस्कृत ना आती, कबीर साहब के बारे में सट्टे मारा करते है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में ये लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत यह तीन प्रकार का ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश नाम कहा है। अब यहां ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने सही कर दिया, सचिदानंद घन ब्रह्म बिल्कुल ठीक है। तो यहां लिख लें कि ये सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कौन से में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर हम फिर आ गए। इस प्रकार बहुत प्रकार के यानी जो हमने अभी तक पढ़े थे चौथे अध्याय के 24 से 25 से लेकर के 30 तक 31 तक कहते हैं, और बहुत तरह के बहुविधा यानी बहुत विस्तार के साथ बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कबीर वाणी में। ब्रह्मण मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उत्तरित वाणी कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार ज्ञातवा माने जानकर, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित साधना से साधना करके मंत्रों से साधना करके तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। 33 में क्या कहा चौथे अध्याय के 33 में श्लोक में
हे परमतम अर्जुन, दर्व में यज्ञ की अपेक्षा, यानी जो धन से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान हैं, वो जैसे किता धर्म भंडारा कर दिया, किता कोई कुआ बनवा दिया, किता धर्मशाला बनवा दी, या कंबल बांट दिए, कहते इस दर्व में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेयान अत्यंत श्रेष्ठ है। यामन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब 34 में कहा है कि उस जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो वर्णित है वो तत्व ज्ञान, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी न, वे तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा परमात्म तत्वों को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आत्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था, लेकिन इन नकली गुरुओं ने, इन तत्व ज्ञानहीन संतों गुरुओं नकली महर्षियों ने उस तत्व ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया। ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे जीवन के नाशक हैं। इन्होंने हमारे पूर्वजों को गलत साधना करवा के प्रेत योनि में भिजवा दिया, और फिर प्रेत योनि के में जाने के बाद फिर वो हमें दिखने लगे, कोई पत्र बन गए, आकर कहते हैं कि हमारा कल्याण करवाओ। अब कल्याण के लिए फिर इन गुरुओं के पास जावें, गुरुजी फिर बतावें कि तुम्हारे पिता को स्वर्ग में दूध नहीं मिल रहा, यहाँ तक बंडाया करते थे। एक गाय दो गुरुजी को, स्वर्ग में दूध भेज देंगे। अब दूध वाली गायें गुरुजी को दान करते, गुरुजी का परिवार दूध पीता, ठाट करता और कह देते तुम्हारे गुरुजी पिताजी के पास दूध भेज दिया। अब देखो उन अनाड़ियों ने कोई पूछा है कि पिताजी स्वर्ग में और दूध का अभाव, थारा भला हो, फिर स्वर्ग की तादिश कैसा जिसमें दूध देखो नहीं, हमने मूर्ख बना रखे थे। अब इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी जानकारी देवे, सभी पार्ट्स के सभी विभागों को बता देवे, जैसे जड़ कौन परमात्मा है, तना कौन परमात्मा है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन प्रभु है और पत्ते क्या है, सह वेद वित्त वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 को आप रूबरू करते हैं। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 1 देखिएगा, अथ पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय मंत्र 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वतः प्राहु अव्यम सी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ये देखिएगा एक चित्र, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1-4 और 16 और 17 के जो निष्कर्ष है इसे क्लियर होगा। अब ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊर्ध्व मूलम
ऊपर को जड़ है अधे शाखम और नीचे को शाखा है। अब जमीन से बाहर जो हिस्सा दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुषों की जानकारी है, तीन प्रभुओं की। पुरुष माने परमेश्वर, प्रभु स्वामी भगवान, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, 15वें अध्याय के 16 और 17 में। और इस प्रथम 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में क्या लिखा है पहले इसको क्लियर करके आगे चलेंगे। अक्षर परमात्मा कबीर जी ने सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुखारविंद से उच्चारित वाणी में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार, और जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो है उस संसार रूपी वृक्ष की समझो, जहां से सबका धारण पोषण होता है, जो सबका पालक है, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कहो, इसे सचिदानंद घन परमात्मा कहो, ये तो है मूल जड़। और तना है ये अक्षर पुरुष और ये शाखा जो है एक मोटी डार है ये काल ज्योत निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसे सरब्रह्म भी कहते हैं, इसे काल ब्रह्म भी कहते हैं, इसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं। और इसकी आगे तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। हम यहाँ पर आगे हैं पात्रों संसार। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16 और 17, इसके अंदर पूरा निर्णय हो जाएगा। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, उल्टा लटका हुआ ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ये अविनाशी एक पीपल का वृक्ष समझो, मजबूत, और इसके और जो इसको तत्व से जानता है यानी सभी इसके भाग जानता है, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देता है, छंद सभी छंद, छंद माने विभाग, सभी बता देता है, जानता है, सह वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये वही है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब प्रथम श्लोक में अब आसानी से समझ में आएगा आपके, ऊर्ध्व मूलम अधर शाखम अश्वथम प्राहु अगम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, ये देखिएगा इन्होंने अर्थ किया है ऊर्ध्व मूलम यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी आदि परमात्मा वो पूर्ण परमात्मा तो समझो जड़ है, परम अक्षर ब्रह्म तो इसकी जड़ है, मूल है, और अध है, इन्होंने यहां गलत किया, अध है शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, अध है माने नीचे होता है, ये देखिएगा इन्होंने ये दूसरे श्लोक में बिल्कुल ठीक अनुवाद किया, जाए विचलित नहीं होते थे वहां ठीक कर गए, अध है और अध है दो बार ही समय है, इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। हम इन्हीं से ले लेंगे इनका जाड़ा, ये देखिए अध है माने नीचे, अध्याय माने नीचे, बिल्कुल ठीक है, ये तो आम विद्यार्थी भी बता सकता है। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी तो मूल समझो और नीचे को शाखा, अध्याय शाखम अध्याय माने नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष